Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise D of poem Wishing of your new English fairy book. This is given on page number 70. Few lines are quoted from the poem and based on those lines you have to answer the questions. So let's read the line. First line is, if you want to give men knowledge, you must get it or you give. Now based on these two lines, question number A is, what knowledge does the speaker refer to here? यहाँ पर speaker किस knowledge को refer कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? Answer is, the poet refers to the knowledge of wisdom. यहाँ पर poet wisdom यानी बुद्धिमानी के ज्ञान की बात कर रहा है. Question number B, how can we get this knowledge? हम इस knowledge को, ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? Answer is, we can get this knowledge by accumulating it in the scrapbook of our heart. हम इस ज्ञान को अपने दिल की scrapbook में इकट्ठा करके अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. And by not wasting a single page of that scrapbook. और उस स्क्रैप बुक का एक भी पन्ना बर्बाद ना करके भी हम इस ज्ञान को हासिल कर सकते हैं. वी शुड ऑल्सो लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव. हमें इसके अलावा जीने के लिए सीखना चाहिए और सीखने के लिए जीना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सी, How will this knowledge help us? ये knowledge, ये ज्ञान हमारी किस तरह से सहायता करेगा? Answer is, this knowledge will help us to make this world wiser. ये ज्ञान इस संसार को wiser, बुद्धिमान बनाने में हमारी सहायता करेगा. Next quotation from the chapter is, for the pleasure of the many may be of times traced to one. This is quotation from the poem. Now based on this, question number A is, what should we do for the pleasure of the many? बहुत सारे लोगों की खुशी के लिए हमें क्या करना चाहिए? Answer is, we should scatter seeds of knowledge for the pleasure of many. हमें बहुत सारे लोगों की खुशी के लिए ज्ञान के बीज बिखेरने चाहिए, चारों तरफ फैलाने चाहिए. क्वेश्चन नंबर बी, हाउ एसेंशियल आर आर एक्शंस. हमारे एक्शंस, हमारे जो काम है वो कितने जरूरी हैं? आंसर इज, आर एक्शंस आर वेरी एसेंशियल बिकॉज इट कैन मेक द वर्ल्ड हैप्पी. हमारे जो एक्शंस है वो बहुत जरूरी है क्योंकि ये दुनिया को खुश कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द सेकंड लाइन ऑफ द कोटेड एक्सट्रैक्ट. जो कोटेड लाइन से, उसके सेकंड लाइन से स्पीकर का क्या मतलब है? आंसर इज, द स्पीकर मीन्स दैट वन कैन बी द रीजन फॉर द हैप्पीनेस ऑफ मैनी. स्पीकर कहना चाहता है कि बहुत सारे लोगों की खुशियों के लिए कोई एक भी जिम्मेदार हो सकता है. कोई एक व्यक्ति के किए हुए काम भी बहुत लोगों की खुशियों का कारण बन सकते हैं. अ सिंगल पर्सन्स एफर्ट्स कैन मेक द डिफरेंस. एक अकेले व्यक्ति के कार्यों से भी बहुत से लोगों की जिंदगी में अंतर आ सकता है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी हैव डन एक्सरसाइज डी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट ऑफ दिस पोम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब. सी यू सून. टिल देन बाय बाय. हैव अ गुड डे.